क्या आपके पेरेंट्स आपको पहली बारिश में बाहर निकलने से नहाने से मना करते हैं? जानते हैं क्यों? सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। यस, आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि आपके पेरेंट्स आपको बारिश के पानी में, यस रेन वाटर में, पहली रेन वाटर में, यस नहाने से मना करते हैं। तो उसका कारण बहुत साफ है, कारण है एसिड रेन। एसिड रेन, यस। जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उस वाटर को कहते हैं यस एसिड रेन। ऐसा कैसे हो जाता है? तो आइए बिगिन करते हैं नाइट्रिक एसिड और समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन दी एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही यूनिक एसिड है। ये एक वोलाटाइल एसिड है, अर्थात रूम टेम्परेचर में ही वेपर बन के उड़ जाता है। और यूनिकनेस क्या है इसकी? यूनिकनेस है इसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। यस, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। यूजुअली एसिड्स जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ऐसा नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं है। नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन फॉर्म होनी चाहिए उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। आइए नाइट्रिक एसिड के बारे में कुछ और जानते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को, यस, पहले एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था। एक्वा फोर्टिस, यस, एक्वा फोर्टिस मीन्स स्ट्रॉन्ग वाटर। क्यों स्ट्रॉन्ग वाटर? क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ नियरली ऑल मेटल्स। यस, निकल सभी ये रिएक्ट कर सकता है। यूजुअली जो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन होते हैं एक्टिविटी सीरीज में वो लो रिएक्टिव होते हैं, पर नाइट्रिक एसिड, यस, नाइट्रिक एसिड उनसे भी क्या करता है? रिएक्ट कर सकता है। उनके ऊपर एक लेयर, ऑक्साइड की लेयर क्या करता है? फॉर्म कर देता है। इसीलिए कई बार इचिंग ऑफ द मेटल्स के लिए भी, यस, इचिंग ऑफ द मेटल्स के लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, अर्थात मेटल पे कार्विंग करने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। आगे कैसे, यस, कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे रेन वाटर एसिडिफाइड हो जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाती है? आइए अगला टॉपिक यही है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन दी एटमॉस्फेयर, तीन, यस, तीन स्टेजेस में तीन रिएक्शंस के द्वारा आप जानेंगे कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, यस, हमारे एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन है जो कि यूजुअली एक इनर्ट गैस है, अर्थात पैसिव गैस है, यूजुअली ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, बट ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकती है। आइए जाने। तो नाइट्रोजन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट कब कंबाइन करती है? क्या हमेशा कंबाइन कर जाती है? नहीं, ड्यूरिंग द लाइटनिंग डिस्चार्ज। यस, जब बिजली कड़कती है तेज, यस, बादलों में तेज गड़गड़ाहट होती है और थंडर और लाइटनिंग होती है, तब नाइट्रोजन उस स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है और फॉर्म करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रहा रिएक्शन, नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एनओ, एनओ दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यस, ये फर्दर क्या करेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बन जाएगा, वो है स्टेप टू। कैसे करेगा? नाइट्रोजन, यस, नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन मौजूद है, उससे वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रहा, नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन गैस, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपके सिलेबस में कलर्ड गैसेस में एक ये रेडिश ब्राउन गैस बहुत इंपॉर्टेंट कलर्ड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप, जब एसिड बन जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन द रेन वाटर। यस, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद है, बारिश का पानी मौजूद है, उसमें वो कंबाइन कर जाती है विद ऑक्सीजन, कंबाइन कर जाती है और बन जाती है नाइट्रिक एसिड। सो ये रहा 4NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू गिव यू नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। और इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि बारिश में मत नहाओ, यस, स्पेशली शुरुआत की बारिशों में मत नहाओ, क्योंकि उसमें नाइट्रिक एसिड होगा, सल्फ्यूरस एसिड होगा, यस, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ऑब्वियस बात है, सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर के वाटर से कंबाइन होकर के सल्फ्यूरस एसिड बन जाती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड
सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पेट्रोलियम फ्यूल जल रहा है उसकी वजह से जो ऊपर मौजूद है यस वो भी कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बन जाती है। तो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में कई सारे एसिड्स होते हैं, बट हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन से, गॉट इट। तो इस नाइट्रिक एसिड को गिरने के बाद क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड अगर सॉइल में गिर गया, यस रेनफॉल हो गई, तो जो सॉइल में जो सॉल्ट्स मौजूद है उनसे ये रिएक्ट कर जाता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज जाता है। रेन वाटर से डिसॉल्व होने के बाद वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में बन जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यूजुअली वो नाइट्रोजन, मैंने कहा, डायरेक्टली हमारे लिए और आपके लिए भी कोई काम की चीज नहीं है। अगर आपने 78% नाइट्रोजन इन लिया, आप रिलीज भी वापस क्या करते हैं 78% ही कर देते हैं आपके बॉडी में, यस डायरेक्टली नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है। बट याद रखिएगा जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, यस जो आपके फूड में प्रोटीन है और जो प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है, तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल पार्ट है, बट इन कंबाइंड स्टेट हमारे लिए एसेंशियल पार्ट है। सो द कन्वर्जन ऑफ द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड इज कॉल्ड, यस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो कि एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक यस नाइट्रेट सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, यस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है एक बाइसल्फेट सॉल्ट और साथ में निकलता है हमारा यस नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक यस या नाइटर, नाइटर का फॉर्मूला क्या है, यस KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो नाइटर को रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, यस सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री, और क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। यही रिएक्शन आप चाहे सॉल्पेटर या सोडियम नाइट्रेट से भी कर सकते हैं, सिमिलर रिएक्शन है। तो सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से और इसमें भी टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री होगा, तो सोडियम बाइसल्फेट प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होगा साथ में नाइट्रिक एसिड। तो एनी ऑफ दी सॉल्ट, यस इन दोनों में से या तो आप नाइटर ले सकते हैं या चले सॉल्पेटर भी ले सकते हैं, अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इक्वल अमाउंट में या रिटॉर्ट में लेकर के प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या होगा उसके बाद, यस फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा जो कि बहुत हॉट होगा और इसे रनिंग वाटर द्वारा कूल किया जाएगा ताकि वापस क्या हो जाए, ये यस लिक्विडिफाइड लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाए, नाइट्रिक एसिड बन जाए। और जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होती है वो लाइट येलो कलर की होती है, क्या आप जानते हैं क्यों होती है, यस आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट बट आइए मेरे पास रीजन है। तो नाइट्रिक एसिड जो लैब में प्रोड्यूस हो रही है वो लाइट येलो कलर की होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यस रेडिश ब्राउन गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से येलोइश यस हल्की येलोइश होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। आपने यस अपने लैब में भी देखा होगा जो लैब के स्टैंड्स लगे हुए हैं आपके पास, यस उसमें नाइट्रिक एसिड हल्का येलो रंग का दिखाई दे रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि वो प्योर नाइट्रिक एसिड नहीं है, यस वो हल्का येलोपन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। क्या आप जानते हैं प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, यस पानी की तरह होता है, एकदम कलरलेस। तो हम क्या इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हटा सकते हैं, क्या उसको कलरलेस कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया कि कलर्ड क्यों है, येलो कलर क्यों है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही हटा दी जाए तो एसिड से तो क्या वो कलरलेस बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। आइए तो जानते हैं कैसे बनेगा। तो प्योर एसिड यस प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है एंड टू रिमूव द येलो कलर ऑफ द लैब नाइट्रिक एसिड दो तरीके से कर सकते हैं, यस दो मेथड से कर सकते हैं। पहला ड्राई एयर या कार्बन डाइऑक्साइड को
पास कर देंगे, जब नाइट्रिक एसिड में पास कर देंगे तो क्या होगा, जो उसमें मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक एसिड बन जाएगी। तो जो कलर का कारण था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके नाइट्रिक एसिड बन गया, सो कलर हट गया। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर। यस, ज्यादा पानी मिला देने से क्या हो जाएगा, उसको डाइल्यूट करने से क्या हो जाएगा, पानी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है एंड अगेन डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अगेन वो क्या हो जाता है, उसका येल्लोपन चला जाता है। तो नाइट्रिक एसिड बनाते समय क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि जो ग्लास अपरेटस है उनको ही यूज करना चाहिए, कॉर्क या रबर नहीं यूज करने चाहिए। ऐसा क्यों, कॉर्क और रबर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक वोलाटाइल एसिड है और जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तो साथ में वेपर्स निकल रहे हैं उसके, और कॉर्क को और रबर को यस वो क्या करेगा, कोई साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ ग्लास के अपरेटस यूज करने चाहिए। और क्या ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज करना चाहिए, नहीं। तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वोलाटाइल एसिड है। वोलाटाइल, यस, वोलाटाइल मतलब रूम टेम्परेचर में यह भी क्या हो जा रहा है, भाप बन जाएगा, फ्यूम्स बनने लगेंगे, और फिर नाइट्रिक एसिड भी वोलाटाइल एसिड है तो दोनों में मिक्स हो जाएगा, तो आप नाइट्रिक एसिड कलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कौन सा एसिड लेना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखा भी होगा आपने, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। यस, एक हैवी एसिड होता है और वेपर बनके उड़ता नहीं है, रूम टेम्परेचर में वेपर नहीं बनता है, इसीलिए वो क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, द टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 200। इसीलिए आपने देखा होगा टेम्परेचर में साइन बना हुआ है लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 180 टू 200 डिग्री टेम्परेचर होना इज अप्रोप्रिएट। अब 200 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो आपके अपरेटस डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि जो ये सॉल्ट फॉर्म होगी, यस, जो सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट जो फॉर्म होगी वो क्रस्ट के रूप में ग्लास अपरेटस में चिपक जाएगी, इट विल स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास, और आपका ग्लास अपरेटस क्या हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा क्या नुकसान है हाई टेम्परेचर का, दूसरा नुकसान है कि नाइट्रिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी डीकम्पोज हो जाएगी। यस, नाइट्रिक एसिड अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो जाएगी, इसीलिए टेम्परेचर को 200 डिग्री के लेस ही रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपके सामने यस स्क्रीन पर डायग्राम दिखा रहा हूं कि क्या लैब प्रिपरेशन में यस अपरेटस यूज होते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लैब में जब स्टूडेंट्स के हाथ में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड टच हो जाता है तो येलो रंग के कुछ स्टेन्स कुछ ब्लिस्टर्स हाथ में रह जाते हैं, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आइए ऐसी ही अनेक प्रॉपर्टीज के बारे में, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में आइए जानते हैं। सो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो कलर, यस, आप जानते ही हैं कि प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है और लैब में प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड अर्थात कमर्शियल नाइट्रिक एसिड यस वो स्लाइटली येल्लो होता है। स्लाइटली येल्लो, यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक रेडिश ब्राउन गैस होती है। आता है फिर इसकी स्मेल कैसी होती है, तो उसकी स्मेल सफोकेटिंग होती है, इसका मतलब है आप बहुत देर तक क्या कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड में यस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सफोकेट कर जाएंगे, सांस आपकी घुट जाएगी। ओडर, स्मेल के बाद इसका सॉरी टेस्ट, तो सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट कैसा है, ऑब्वियस बात है हर एसिड का टेस्ट सोर होता है, तो एसिडिक टेस्ट है, सोर टेस्ट है। और क्या खास बात है, इसका नेचर, ये एक हाइग्रोस्कोपिक एसिड है और एयर में आते ही यस ओपन एयर में आते ही ये फ्यूम्स कर जाता है, अर्थात वोलाटाइल नेचर का है, रूम टेम्परेचर में ही अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लेता है और उड़ जाता है। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, यस, नाइट्रिक एसिड की बोतल को स्टॉपर्ड करना चाहिए, हमेशा ऊपर से क्या करना चाहिए, एयर टाइट जार में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं लैब में अपने नाइट्रिक एसिड का जार ओपन रख दिया तो अगले दिन आप आएंगे तो नाइट्रिक एसिड आपको बहुत गायब मिलेगी,
यस लेवल उसका डाउन हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर में क्या हो जाती है, वो फ्यूम्स बन जाती है, वेपर बन के उड़ जाती है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नेचर। यस नाइट्रिक एसिड मैंने कहा अगर स्किन पे टच कर जाए, हमारे स्किन पे छुआ जाए, तो वो हमारे स्किन के प्रोटीन से रिएक्ट कर जाती है और येलो कलर का स्टेन्स फॉर्म करती है, और वो येलो रंग का स्टेन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़ेंथोप्रोटिक एसिड। यस ज़ेंथोप्रोटिक एसिड हमारे स्किन के साथ वो फॉर्म कर देती है, इसीलिए येलो रंग के क्या करते हैं, स्टेन्स दिखाई देते हैं हमारे अंगुलियों में। आता है अब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नाइट्रिक एसिड एक अनस्टेबल गैस है, एक स्टेबल गैस नहीं है। इवन रूम टेम्परेचर पे मैंने बताया सनलाइट के भी प्रेजेंस में क्या हो सकता है, वो डीकंपोज हो जाती है। डीकंपोज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन पैदा कर देती है। इसीलिए जब इसको स्टोर करना होता है तो लैब में आपकी जो टीचर्स हैं, यस एक अलमीरा में स्टोर करती हैं और उसमें भी कलर्ड बॉटल्स के अंदर स्टोर करती हैं, ताकि ये क्या हो जाए, सेल्फ डीकंपोज ना हो जाए। तो इट इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स, ठीक है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, ये डीकंपोज जाता है। बहुत ही अनस्टेबल टाइप का ये एसिड है। नेक्स्ट, ये एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक, यस द एसिड विच ऑन आयनाइजेशन फॉर्म्स वन हाइड्रोक्सिल आयंस इज कॉल्ड एज अ मोनोबेसिक एसिड। जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये H प्लस और NO3 माइनस आयंस जनरेट करेगा, जो कि इसको स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाता है। यस हर एसिड की तरह ऑल एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म यस आज का मेरा क्वेश्चन आपके साथ यही है, व्हाट इज द यस रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस कॉल्ड। आप जानते हैं, यस अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या है मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्शन विद एन एसिड एंड बेस कॉल्ड। तो जब ये अल्कली से, जो कि सॉल्युबल बेसिस होते हैं, से जब रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर ओनली। यस मुझे मालूम था आपको मालूम है, बस आपको मैं यस ये चेक करना चाहता हूं आप अपने लेसन को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। अगर और एसिड्स की तरह इसमें भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कि ये जब किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, या किसी बायकार्बोनेट जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है, तब ये उनकी सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एग्जांपल लाइक नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हो गया ना कार्बोनेट। तो जैसे ही नाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम नाइट्रेट की सॉल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्या आप जानते हैं कि जो लैब में प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड होता है वो सिर्फ 68% तक कॉन्सेंट्रेट होता है। यस इसका मतलब 32% उसमें क्या है, पानी है। यस अब हम इसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, हम इसे 98% 100% तक क्या करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कैसे कर सकते हैं इस एसिड को, क्या कहा आपने, हीट करके, है ना, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर बॉइल हो जाएगा। करेक्ट, बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यस नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड बियॉन्ड 68% ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या मैंने वर्ड यूज किया है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नाइट्रिक एसिड जो है वो अगर 121 डिग्री तक, यस 121 डिग्री तक अगर हीट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों ही फ्यूम्स बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो नतीजा क्या होगा, अब वो आप उसके बियॉन्ड क्या करेंगे, 121 डिग्री के बियॉन्ड अगर हीट करेंगे तो आपका एसिड फर्दर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। सो इट कॉन्सेंट्रेट्स अप टू यस 121 डिग्री। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। यस इट इज अ टेम्परेचर एट विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ इवेपोरेट्स। तो 121 डिग्री पर आने के बाद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि पहले ही बताया था एक अनस्टेबल एसिड है, यूजुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री है, बट पानी में मिक्स हो जाने के बाद यस कॉन्स्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर इसका है 121 डिग्री। और 121 डिग्री में क्या होगा, नाइट्रिक एसिड भी इवेपोरेट कर जाएगा, वाटर भी इवेपोरेट कर जाएगा, आप
उसके बियॉन्ड 68% के बियॉन्ड उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर के जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो गोल्ड के क्यों नहीं है? क्या कहा आपने, गोल्ड बहुत महंगा है? हाँ, बट क्यों ये कैल्शियम के नहीं है, मैग्नीशियम के क्यों नहीं बने हैं? क्या कहा आपने, बहुत रिएक्टिव है? यस। तो हम लोग घर के यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम के यूज कर रहे हैं, आयरन के यूज कर रहे हैं, कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? तो आइए इसका जवाब मिलेगा इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में। आपके घर में जो एल्यूमिनियम की जो प्रेशर कुकर है, एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई है, देखा है आपने आपके घर में जिसमें मम्मी पूरी तल रही है वो कढ़ाई एल्यूमिनियम की है, और जो प्रेशर कुकर है जिसमें चावल बन रहा है, दाल बन रही है, वो एल्यूमिनियम का है। तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, उसमें ही क्यों बनाती है मम्मी? तो लॉजिक बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम, आयरन, ये एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, हमारे एनवायरमेंट में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। प्लस जब ये एनवायरमेंट में रिफाइन होकर प्योर होकर आ जाते हैं और ये अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की लेयर फॉर्म कर देते हैं, ठीक सुना, ये एक सेल्फ ऑक्सीडाइज करने वाले मेटल्स होते हैं। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर, एक थिन सी लेयर फॉर्म कर देता है अपने ऊपर से। इसीलिए जब आप देखेंगे जब नया नया एल्यूमिनियम का बर्तन कोई आता है, थोड़ा शाइन करता है, थोड़ा सिल्वर जैसा दिखता है, बट बाद में उसकी शाइन क्या हो जाती है, एक जैसी ही रहती है, और फिर वो सालों साल उसी रूप में पड़ा रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके जो घर में प्रेशर कुकर है या कढ़ाई है जिसमें मम्मी खाना बना रही है, वो कई सालों से वैसे ही दिख रही है आपको, आप देख लेंगे उसे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। तो जस्ट बिकॉज ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं अपने पर, एक ऑक्सीडाइजेशन की लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन रस्ट की, एक आयरन ऑक्साइड की लेयर अपने पर बना देते हैं, जिसके बाद वो फर्दर डैमेज नहीं होते हैं। अब उसके बाद कोई फर्दर कंपाउंड उसमें अगर डाला जाए, रिएक्ट करने की कोशिश की जाए, तो फर्दर रिएक्ट भी इजिली नहीं करते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से आपको हार्म नहीं पहुंचता है, आपके शरीर में, आपके खाने में एल्यूमिनियम आपके शरीर में नहीं जाएगा। समझ गए ना क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ने अपने आप को क्या कर दिया है, एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में इसमें क्या रोल है? तो नाइट्रिक एसिड एक अकेला एसिड है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। आइए जानते हैं इसमें ये प्रॉपर्टी कैसे आई, आपको मालूम है ये प्रॉपर्टी कैसे आई, चलिए आइए समझते हैं। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सबको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, सब में ऑक्सीजन ऐड कर देता है, सबको ये ऑक्सीजन दे देता है। क्यों? बिकॉज इट हैज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन। क्या फॉर्म करता है ये? नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है जब ये डीकंपोज हो जाता है। नाइट्रिक एसिड नेसेंट ऑक्सीजन सिर्फ ओ पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, जो कि एक अनस्टेबल पार्टिकल होता है, और यही हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में। एक एग्जांपल ग्रुप में देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए मैंने ये रिएक्शन आपके लिए लिखा है, इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर तैयार करेंगे। जैसे कि कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। आइए देखते हैं रिएक्शन, कार्बन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखा, कार्बन को उसने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है आपको, एडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, याद है ना। तो आपने क्या कर दिया, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया, देखा आपके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से कार्बन गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और सल्फर से भी देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं, इस नॉन मेटल के साथ क्या करता है वो। तो सल्फर के साथ जब नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है यू कैन प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, एक वोलेटाइल एसिड से आप एक नॉन वोलेटाइल एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन एक तरह से इस तरह से भी काम आ सकता है कि हाउ कैन यू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग नाइट्रिक एसिड।
क्या करना है, बस आपको सल्फर से रिएक्ट कर देना है। यहां सल्फर ऑक्सीडाइज होके क्या बन जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा है और वाटर और अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। गॉट इट? क्या नाइट्रिक एसिड सिर्फ नॉर्मल से रिएक्ट करता है, उन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है? नहीं 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 नहीं, नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट जब मेटल को ऑक्सीडाइज करता है तो उस डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, क्या वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट भी चेंज कर देता है। आइए समझते हैं, कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट रूप के रूप में सॉल्ट प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। पर यही इसी कॉपर के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। कॉपर नाइट्रेट सेम, वाटर सेम, बट नाइट्रिक एसिड इस बार नहीं बनेगा। क्या बनेगा इस बार? यस, इस बार नाइट्रिक ऑक्साइड न बनके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब इसने फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया। यस, नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आता है, क्या आपने अपने घर में कढ़ाई, प्रेशर कुकर और तवा ध्यान से देखा है? यस, कढ़ाई या प्रेशर कुकर जो होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। तवा जो होता है आपके घर का, यस तवा है ना, जिस पे मम्मी या रोटी बना रही होती है, वो आयरन का बना होता है। तो क्यों उसको यूज करते हैं, क्यों एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, क्यों आयरन को यूज करते हैं? तो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्सीडेशन करके, यस सेल्फ ऑक्सीडाइज करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की। और जब ये अपने ऊपर एक सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, उसके बाद ये फर्दर क्या करते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब आप उसमें वाटर डालिए, कोई और एसिड डालिए, फर्दर ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पैसिव बन जाते हैं, इनर्ट बन जाते हैं। क्या यही इफेक्ट नाइट्रिक एसिड से नहीं होता है? होता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, पैसिविटी। आइए समझते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, यस ये चारों मेटल्स क्या हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं ऑन रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है कि इनके ऊपर एक मेटल की ऑक्सीडेशन लेयर बना करता है, अर्थात इनके खुद के मेटलिक ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है ऊपर से, जो इसे फर्दर रिएक्शन करने से रोकती है। नतीजा आप इसमें कढ़ाई में, मैंने कहा पूरी तलिए, चावल बनाइए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो उस ऑयल से, उस वस्तु से क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब आपका खाना सेफ है। इसका मतलब मम्मी ने जो एल्यूमिनियम के कढ़ाई में या एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में चावल बनाया, पूड़ियां तली, वो आपके खाने के लिए सेफ है। क्यों सेफ है, समझ गया ना, क्योंकि अब वो एल्यूमिनियम आपके खाने में नहीं जाएगा, आपके फूड पार्टिकल्स में नहीं आएगा, नतीजा आपके पेट में नहीं जाएगा। तो वो खुद को अपने ऊपर क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और सालों साल तक वैसा ही पड़ा रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब नया नया प्रेशर कुकर आया था या नई नई जब कढ़ाई आई थी तो थोड़ा शाइन कर रही थी, है ना, बट अब उसकी शाइन उतनी तेज नहीं है। यस, शाइन हल्का फुल्का होगा, बस वो जो लस्टर है, मेटल लस्टर है, वो अब पहले से कम हो गया है। इसीलिए कम हो गया है क्योंकि उसने अपने ऊपर एक क्या कर दिया है, सेल्फ ऑक्सीडेशन की लेयर बना दी है। यही चीज मैंने कहा नाइट्रिक एसिड के साथ होती है। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसके लिए इसलिए है क्योंकि उसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन है और वो एक मोनोबेसिक एसिड है। नतीजा वो उनको ऑक्सीडाइज करके उनके ऊपर एक मेटल की परत चढ़ा देता है, एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा देता है, ठीक है, तो इसीलिए वो पैसिव बन जाते हैं। तो क्या पैसिविटी में क्या होता है, मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। क्या ये पैसिविटी कभी नहीं जाएगी, क्या इसको हटाया नहीं जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, दिस कैन बी रिमूव। पैसिविटी को रिमूव करने के दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका क्या है, पैसिविटी कैन बी रिमूव्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर, हाँ, बालू कागज। बालू कागज जानते हैं आप, जो दीवार जब पेंट हो रही होती है आपके घर में तो पहले आपके पेंट को हटाया जाता है ना, जिस पेपर से हटाते हैं, जिसमें आप देखेंगे रफ रफ सा पेपर होता है, है ना, उसका नाम बालू कागज है, सैंड पेपर है। तो उससे मेटल की सरफेस को रब करेंगे तो भी मेटल का क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को, ये मेटल के ऊपर की ऑक्सीडेशन लेयर को हटा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका क्या है? बाय रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? मेटल के ऑक्सीजन को, यस, मेटल के ऑक्साइड्स को रिमूव कर देगा। इस तरह से मेटल की पैसिविटी भी दूर की जा सकती है। पर कभी आपने सोचा है कि आपके घर की कढ़ाई, आपके घर का तवा, आपके घर का प्रेशर कुकर नीचे से इतना काला क्यों हो जाता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं वो इतना ब्लैक क्यों हो जाता है। क्योंकि जो हम घर में गैस यूज कर रहे हैं उसमें, यस, हाइड्रोकार्बन है, अर्थात कार्बन आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो वाटर के रूप में क्या होती है, निकल जाती है। बट जब ये ब्लू फ्लेम देता है, अर्थात जब नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है, तब तक क्या होता है, हीटिंग बहुत प्रॉपर करता है और खाना जल्दी और समय पर पक जाता है। पर जब येल्लो फ्लेम निकलती है, यस, कभी आप घर में अपने गैस में चूल्हे में देखें येल्लो फ्लेम निकल रही है, तो समझ जाइए कि इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है। यही अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आपके प्रेशर कुकर, आपकी कढ़ाई के नीचे चिपक जाते हैं। अनबर्न्ड पार्टिकल कार्बन पार्टिकल होते हैं और यस, यही ब्लैक कलर आपके कढ़ाई को, आपके प्रेशर कुकर को देते हैं। और आपके घर में जो शांता बाई आती है, यस, उसकी बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत रगड़ रगड़ करके क्या करना होता है, उसको साफ करना होता है, है ना। उसके पास स्क्रबर होता है जिससे वो साफ करती है ना, डिटर्जेंट और सबर लगा के बहुत मुश्किल से उसको साफ करती है। तो वो कार्बन पार्टिकल है जिससे उसे रिमूव करना होता है। तो यस, अपनी भाषा में, आसान भाषा में केमिस्ट्री समझने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, यस सर तरुण रूपानी। क्या आपको कोई और टॉपिक भी समझना है? फिजिक्स में समझना है, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, मैथ्स में, बायोलॉजी में? बस क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। एग्जाम्पल, टोपो शीट समझना है, यस, तो आप क्या करेंगे, टाइप करिए टोपो शीट्स बाय सर तरुण रूपानी एंड आई एम श्योर यू विल गेट वीडियोज ऑन इट। न सिर्फ वीडियोज देखिए, साथ में नोट्स बनाइए। और मुझे इससे नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, यस, मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाएं और डायरेक्टली क्या करें, इस ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इफ एनी वे, यस, आपके बोर्ड्स बहुत नजदीक हैं, तो न सिर्फ खुद भी देखिए बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए इस चैनल को, सर तरुण रूपानी को ज्वाइन करें। और किसी भी चैप्टर के लिए, यस, आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के किसी भी चैप्टर के लिए आप क्या करना है, बस उस चैप्टर का नाम लिखना है, यस, लाइक आपको हिस्ट्री में समझना है फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, बस क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखो, यस, लिखो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट बाय सर तरुण रूपानी एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, यस, विद नोट्स एंड विद एवरीथिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय, सी यू इन अदर वीडियो।